गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स और बच्चों, हम आपको रिवीजन करा रहे हैं और रिवीजन में भी मैट्रिक्स का रिवीजन करा रहे हैं बच्चों। और इस रिवीजन में ये है कि पेज 4.55 पर एग्जांपल वो एक्सरसाइज 4 को 4.4 का पेज 4.55 पर एक्सरसाइज 4.4 का हम आपको एक क्वेश्चन बता रहे हैं और वो ये है क्वेश्चन कि A7th क्वेश्चन A ट्रांसपोज इक्वल टू इन्होंने दे रखा है एक मैट्रिक्स 3-4 -1-2-0-1 ये दे रखा है और B इक्वल टू दे रखा है -1-2-1 और 1-2-3 ये दे रखा है। Then find the value of A transpose minus B transpose. तो ये वेरी सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा बच्चों। A transpose minus B transpose निकालना है। A transpose minus B transpose की वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों। तो A transpose minus B transpose कैसे फाइंड होगा? अब हम लोग ये काम करेंगे कि A transpose minus B transpose की वैल्यू फाइंड करने के लिए A का transpose तो ये हो गया 3 -1-0-4-2-1 और B ट्रांसपोज हो गया, जो B का ट्रांसपोज है वो हो गया -1-2-1 और 1-2-3 ये B का ट्रांसपोज हो गया बच्चों, ये B का ट्रांसपोज हो गया और B A ट्रांसपोज हो गया और A B ट्रांसपोज हो गया और A का ट्रांसपोज माइनस B का ट्रांसपोज हो जाने के बाद 3-1 और ये 4 हो गया और 4-1-2 हो गया और -1-2-3 हो गया, 2-1-0 हो गया और 0-1-1 हो गया और 1-3-2 हो गया बच्चों, ये आ गया। तो ये तो क्वेश्चन है हमारा कि ये 4-1 बच्चों 3 हो जाएगा, यहाँ पर 4-1 3 हो जाएगा, 4-3-3-0-1-2 ये बहुत सिंपल था। A ट्रांसपोज दे रखा था, B एक मैट्रिक्स दे रखी थी और A ट्रांसपोज माइनस बच्चों B ट्रांसपोज निकालना था और A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज हमने निकाल के आपको बता दिया, ठीक है। अब क्या मैटर है कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? तो बच्चों सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो आप लोगों को पता होगी, क्वेश्चन में बता दे रहा हूं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये होती है कि अगर ए आई जे है किसी मैट्रिक्स में, एक मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे, ये मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हो और ये स्क्यू सिमेट्रिक तब कहलाएगी जब ए आई जे इक्वल टू ए जे आई के इक्वल हो और ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी। सॉरी, A is equal to एक मैट्रिक्स है Aij और अगर उसमें Aij is equal to Aji है तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। और इसकी एक और प्रॉपर्टी होती है, अगर हमने ये मैट्रिक्स के टर्म में A ट्रांसपोज is equal to A प्रूव कर दिया तो ये भी A is a symmetric matrix बच्चों, A is a symmetric matrix, ठीक है। अब क्या होगा बच्चों कि अगर कोई मैट्रिक्स A इक्वल टू ए आई जे है और उसमें अगर ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई हो जाता है, माइनस ए जे आई हो जाता है, ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई, और तब ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। और इसमें एक और बात होती है, ये हो जाता है ए आई आई ए जे जे इक्वल टू जीरो, इसमें ए आई आई और ए जे जे जीरो होता है और इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि A ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस A हो जाता है, ये हो जाता है माइनस A। अब क्या होगा इसका, मैं आपको एक अच्छे क्वेश्चन करा रहा हूं और वो ये है कि थर्ड क्वेश्चन है एग्जांपल 4.57 पेज पे, 4.57 पेज पे थर्ड एग्जांपल ये कहता है A एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, A एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो A प्लस A ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हम लेट कर रहे हैं कि P इक्वल टू A प्लस A ट्रांसपोज और अगर हम ये प्रूव कर
करने में सफल हो गए, पी ट्रांसपोज इज इक्वल टू पी, देन पी इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। पी ट्रांसपोज इज इक्वल टू कितना, पी अगर प्रूव करने में सफल हो गए तो बच्चों क्या होगा कि हम लेट कर लिए कि ए प्लस ए ट्रांसपोज एक मैट्रिक्स है पी, और टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड तो ये हो जाएगा बच्चों ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड। और फिर बच्चों ये होगा, एक प्रॉपर्टी होती है ए प्लस बी का ट्रांसपोज जो हो जाता है वो हो जाता है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज हो जाता है। और तब हम लोग यहां पर ये कर देंगे p ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हो जाएगा, और ये हो जाएगा बच्चों a ट्रांसपोज और a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज a हो जाएगा। ये भी प्रॉपर्टी है कि a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बच्चों a हो जाता है, और a ट्रांसपोज प्लस a आ गया, और इससे फ्रॉम फर्स्ट से ये p के इक्वल हो गया, तो p ट्रांसपोज इज इक्वल टू p अगर आ गया। So P is a symmetric matrix. P कैसी matrix है बच्चों? So P is a symmetric matrix. P symmetric matrix कहलाएगी। कौन सी matrix कहलाएगी बच्चों? Symmetric matrix. So P is a symmetric matrix. So P is a symmetric matrix. ये कैसी matrix है बच्चों? Symmetric matrix है। तो इसमें तो खैर हम लोगों को कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। अब जैसे इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में ये है बच्चों कि ये कहा गया है कि a माइनस a ट्रांसपोज सेकंड पार्ट में, तो उसे भी हम उसे चलिए q ले लेते हैं, कोई मैटर नहीं है, p ले ले, q ले ले, कोई बात नहीं उसमें। a माइनस a ट्रांसपोज ये कैसी मैट्रिक्स है, तो हम लेट कर लेते हैं कि q इज इक्वल टू a माइनस a ट्रांसपोज, और a माइनस a ट्रांसपोज इसे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बच्चों प्रूव करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट q इज इक्वल टू a माइनस a ट्रांसपोज, और टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड कर लिया, a माइनस a ट्रांसपोज और ये इसका ट्रांसपोज, तो q ट्रांसपोज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों a ट्रांसपोज माइनस a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ये कोई प्रॉपर्टी है a माइनस b का ट्रांसपोज, a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज हो गया बच्चों। a माइनस b का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज। और फिर बच्चों हम लोग ये काम करेंगे, a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज a हो जाता है, तो ये q ट्रांसपोज a ट्रांसपोज माइनस a हो जाएगा, और q ट्रांसपोज माइनस कॉमन कर लीजिए तो ये हो जाएगा a माइनस a ट्रांसपोज, और बच्चों ये माइनस क्यू हो जाएगा, तो क्यू ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस क्यू आ गया। देखिए जरा यहां से ये वैल्यू मैंने यहां उठा के लगा, ठीक है। अब इक्वेशन डालते हैं इसे, फर्स्ट क्या करा, क्यू इक्वल टू ए माइनस ए ट्रांसपोज ले लिया, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड ले लिया, ए माइनस बी का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए माइनस कॉमन कर लिया, ए माइनस ए ट्रांसपोज ये बच्चों क्यू हो गया, ठीक है। तो q ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस q आ गया, वो यही मैंने आपसे कहा था, अगर हम लोग q ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस q या p ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस p जो भी है अगर वो प्रूव करने में सफल हो गए, देन q इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। q कैसी मैट्रिक्स कहलाएगी बच्चों, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो q इज ए, या फिर q और बोले q और a माइनस a ट्रांसपोज इज a स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है बच्चों। ये हो गया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यही प्रूव करना था, ठीक। अब हम लोगों के पास जो है एक हमने आपको थ्योरम पढ़ाई थी और बहुत अच्छे से आपको बताई थी कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कहने का मतलब यह था कि किसी भी मैट्रिक्स को एक मैट्रिक्स में कन्वर्ट करा जा सकता है, और उसमें जो मैट्रिक्स होंगी वो होगी एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक। जैसे ए एक मैट्रिक्स है, इसको सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक में कन्वर्ट करा जा सकता है। सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक में कन्वर्ट का मीनिंग हो सकता है, आप मेरी बात को अभी नहीं समझ रहे हैं, अभी आपको बात समझ में आ जाएगी। लेकिन यूनिकली का मतलब यह है कि यह केवल एक बार ऐसा होता है। थ्योरम तो बहुत
कमी बार मुझे लगा है, कमी बार क्या आज तक तो मेरे सामने आज तक आई नहीं बच्चों, ठीक है। तो अब आप इसमें ध्यान से देखिए कि ये क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, जैसे कि एग्जाम्पल नंबर बच्चों 8 है और एग्जाम्पल नंबर 8 में ये कहा गया है ए इज इक्वल टू और ये है 3 2 3 3 2 3 और ये है 4 5 3 4 5 3 और ये 2 4 5। तो बच्चों थ्योरम करते समय इसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में अगर कन्वर्ट करना था तो मैंने आपको बताया कि इसमें आपको ये काम करना पड़ेगा कि आप जो थ्योरम थी उसे जरा आज देखिएगा और उसमें ये कहा गया है p इज इक्वल टू हाफ a प्लस a ट्रांसपोज निकालिए। क्या निकालिए? हाफ a प्लस a ट्रांसपोज, यानी हाफ a, a की वैल्यू कितनी है 3 2 3 4 5 3 2 4 5 ये, और ए ट्रांसपोज कितना है 3 2 3 4 5 3 2 4 5 ये है बच्चों, ये हो गया। इन दोनों का सम, इन दोनों का सम कर लीजिए बच्चों, ए और ए ट्रांसपोज का सम कर लीजिए और फिर उसमें हाफ ये लगा है और बस ऐसे लिख दीजिएगा, ये कर लीजिए और फिर आपका काम है q इज इक्वल टू निकाल लीजिए, q इज इक्वल टू निकाल लीजिए हाफ a माइनस बच्चों a ट्रांसपोज। क्या कर लीजिए? हाफ a माइनस बच्चों a ट्रांसपोज, और हाफ a माइनस a ट्रांसपोज में आपको ये काम करना होगा कि हाफ a माइनस a ट्रांसपोज में ये काम करना होगा आपको ध्यान से कि आप इसमें से ये माइनस कर दीजिए, इसमें से बच्चों ये माइनस करके लिख दीजिए और हाफ ऐसी रहने दीजिए और फिर p और q को a जो मैट्रिक्स है इसके इक्वल लिख दीजिए, सम की फॉर्म में लिख दीजिए, लेकिन राइट साइड वाली दोनों मैट्रिक्स को आप ऐड नहीं करेंगे, ये ध्यान रखिए। दोनों मैट्रिक्स को अगर ऐड कर दिया तो फिर a आ जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा। एक इसमें p वाली सिमेट्रिक होगी और q वाली स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। p वाली में लिख दीजिएगा हेयर ai j इज इक्वल टू aj i, सो p इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और q वाली में लिख दीजिएगा हेयर ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई, सो क्यू इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, पी इज ए सिमेट्रिक देन एंड क्यू इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब बच्चों क्या है कि इस चैप्टर में एलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस में यही काम मेन था। अब मैं आपको डिटर्मिनेंट में कुछ क्वेश्चन, एक दो अच्छे क्वेश्चन बता रहा हूं और मुझे लगता है डिटरमिनेंट सॉल्व करना आप लोगों ने सबने सीख लिया था। और बच्चों डिटरमिनेंट सॉल्व करना सीखने के बाद देखिए बोर्ड पर डिटरमिनेंट का एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं। हाँ तो बच्चों हम आपसे कह रहे थे कि अब हम आपको डिटरमिनेंट पे कुछ क्वेश्चन बताते हैं। डिटरमिनेंट पे मैंने आपको डिटरमिनेंट सॉल्व करना सिखाया, डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी बच्चों सिखाई और प्रॉपर्टी को यूज करना सिखाया। उसमें मैटर ये बनता है कि बच्चे ये कह रहे थे कि बहुत सर टिपिकल क्वेश्चन है डिटरमिनेंट के, क्योंकि डिटरमिनेंट में एक जैसे क्वेश्चन बच्चों नहीं है और एक जैसे क्वेश्चन जब नहीं है तो वहीं पर दिक्कत आ जाती है। अब जैसे यही क्वेश्चन है फोर्थ और ये कहते हैं एग्जांपल फोर्थ शो दैट दिस इज इक्वल टू जीरो, बुक में लिखा नहीं है, जीरो प्रूफ करना। और बच्चों अगर ये जीरो प्रूव करना है मतलब इसमें कोई क्वेश्चन एक सा नहीं होता, एक सा कोई क्वेश्चन भी डिटरमिनेंट में नहीं होता। अब एक सा नहीं होता तो उसका रीजन क्या होता है कि बच्चे फिर प्रॉब्लम में ये फंसते हैं कि सर ये रिएक्शन कहां से आ रही है, सी वन कहलाता है, ये सी टू, ये सी थ्री, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम, और ये कहलाता है फर्स्ट रो सेकेंड रो और ये कहलाता है थर्ड रो। इसको जीरो अगर प्रूव करना है तो सबसे पहला काम बच्चों ये किया जाएगा कि हम लोग इसमें सी वन पे पुट कर दें, सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री, यानी फर्स्ट कॉलम में सेकंड कॉलम सी वन पे पुट कर दिया जाए, सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री, और बच्चों देखिए यहां आ जाएगा जीरो जीरो जीरो, सी माइनस ए a माइनस बी, और ये हो जाएगा a माइनस बी, b माइनस सी,
और c माइनस a, ये बच्चों जब हो जाएगा तो देखिए क्या हो जाएगा, b माइनस c, c से इसमें ये ऐड होगा, c से c कैंसिल हो जाएगा बच्चों, ऐसे ये कैंसिल, b से b कैंसिल, इसमें ऐसे, इसमें ऐसे, इसमें, यानी फर्स्ट कॉलम जीरो हो गया। अगर किसी भी डिटरमिनेंट का कोई एक कॉलम या एक रो जीरो होती है तो बच्चों डिटरमिनेंट वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। और जीरो जब हो जाएगी तब फिर तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। देखिए क्या हो गई बच्चों, जीरो। अब जैसे कि एक एग्जांपल अभी मैं बहुत छोटे छोटे आज करा रहा हूं, आप नेक्स्ट अगले दिन वीडियो में देखिएगा, मैं टिपिकल क्वेश्चन अच्छे कराऊंगा और आपको समझ में बात आएगी। और सिक्स में ये कहा गया है, एग्जाम्पल सिक्स में, कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड और बच्चों जेड प्लस एक्स, और ये है आपका जेड एक्स वाई और वन वन वन। अब कहते हैं विदाउट एक्सपेंडिंग इसको जीरो लाना है बच्चों, विदाउट एक्सपेंडिंग अगर इसको जीरो लाना है तो विदाउट एक्सपेंडिंग जीरो लाने के लिए तो फिर यही होगा, एक रो या एक कॉलम इक्वल हो जाए या एक रो या एक कॉलम के सारे लिमिट जीरो हो जाए और कोई हमारे पास इलाज दुनिया में नहीं है। और क्या इलाज हो सकता है इसके लिए, हम लोग यही करेंगे। ये फर्स्ट रो जो है, फर्स्ट रो, ये सेकेंड रो, ये थर्ड रो, और इसमें हम लोग ये करेंगे कि R1 पे पुट कर देंगे R1 प्लस R2, R1 पे पुट कर दिया, इसमें ये ऐड कर दिया R1 में R2, तो ये हो गया X प्लस Y प्लस Z, X प्लस Y प्लस Z, और बच्चों ये हो जाएगा X प्लस Y प्लस Z, और ये हो जाएगा Z X, और ये बच्चों Y, और ये 1 1 1, ये आ गया। देखिए R1 पे क्या पुट कर दिया, R1 प्लस R2, और ये हो गया x plus y plus z, x plus y plus z, x plus y plus z, x plus y plus z common कर लीजिए, और x plus y plus z common कर लेने के बाद क्या होगा बच्चों, जब देखिए x plus y plus z common हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1 z 1 और 1 x 1 और 1 y 1, और तब क्या होगा बच्चों, ये फर्स्ट और थर्ड रो इक्वल है। फर्स्ट और थर्ड रो अगर इक्वल हो गई तो टू रोज आर आइडेंटिकल, देन डिटरमिनेंट वैल्यू इज इक्वल टू जीरो। टू रो अगर आइडेंटिकल है, सेम है, तो डिटरमिनेंट वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, जीरो। ये लिखते हुए कि टू रोज आर आइडेंटिकल, डिटरमिनेंट वैल्यू जीरो, ठीक है, ये डिटरमिनेंट वैल्यू जीरो, जीरो के मल्टीप्लाई तो जीरो आ गया, ठीक है। अब आप एक रूल सुन लीजिए ध्यान से, जैसे मैंने आज आपको लोगों को, कई लोगों को फोन किया तो पता चला आप लोग अटेंडेंस लगा के कहीं घूमने चले गए थे, वाह भाई वाह, आपको टाइम टेबल मिला है बच्चों, टाइम टेबल में आपको सिर्फ अटेंडेंस लगा के घूमने नहीं निकलना है, उसी समय पूरी वीडियो देखनी है हर क्लास में, शायद ऐसा ही होगा। और जैसा मेरे क्लास में है तो जैसे ही मैंने वीडियो दी आपको, आप वीडियो देखिए, फिर हो सकता है किसी के फोन की घंटी बजे और मैं कहूँ आप क्या कर रहे हो, क्या वीडियो देख रहे हो, क्या देखा आपने, और उसी समय क्लास का काम लगा हुआ आएगा, उसमें टू या थ्री या फोर क्वेश्चन होंगे, बड़े क्वेश्चन होंगे तो टू होंगे, छोटे होंगे तो फोर होंगे, और वो क्वेश्चन आपको उसी समय करके अपलोड करने होंगे, वो क्लास वर्क हो गया। जैसे एक क्लास सुनिए, एक क्लास में टीचर आया, वो गुड मॉर्निंग बोलते हैं टीचर लोग, अब आपने मुझसे गुड मॉर्निंग मैंने बोला, आप लोगों ने बोला ही नहीं, चलिए सीख लीजिए कि गुड मॉर्निंग सभी लोगों को बोलना है क्लासरूम में, ठीक है, लिखना है मतलब, फिर अटेंडेंस देनी है, अटेंडेंस देने के बाद वीडियो सुननी है, और जो उसमें टीचर जब पढ़ा लेते हैं तो टीचर को लगता है फेल होने वाली है, तो 10 मिनट पहले आपको 1 या 2 क्वेश्चन देते हैं, वो बच्चों से कहते हैं करिए देखें समझ में बात आई या नहीं आई, तो बिल्कुल वही पैटर्न है। ये नहीं बस आप अटेंडेंस लगा के, हमने देखा कि अब कई बच्चे बोले साहब हमने तो देखा ही नहीं, हमने कहा अटेंडेंस तो थी तो देखा नहीं, बस अटेंडेंस लगा के घूमने चले गए, ये नहीं चलेगा, ठीक है। बाकायदा उस समय आप पूरे टाइम क्लास रूम में बैठे रहेंगे, तो इसके बाद क्या होगा बच्चों, इसमें आपको मैं अच्छे क्वेश्चन नेक्स्ट अगले दिन जो वीडियो आ रहा है उसमें दे रहा हूं, तब तक के लिए थैंक यू।
और जो क्लास वर्क आए वो उसी समय देना होगा, और जो होमवर्क होगा वो आप करते रहिए कॉपी पर, वो बच्चों बाद में चेक होगी। ठीक है, थैंक यू।